हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नीलू डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है राजेश पासवान। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो एक मणिपुरी की म्यूजिक वीडियो है, निंगोल थमोय नाम है इसका। सिंगर है जियो विद्यारानी मोरांगथम और म्यूजिक दिया है राजू मुतुम ने। कास्टिंग भी है वो इजू ओनी और रणिका है। ओके, तो ये इसमें मोटी मोटी कास्टिंग है सारी। ओके, ये इसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है। कल भी काफ़ी आए थे और उससे पहले भी मुझे आए हैं, तो ये सॉन्ग अच्छा ही होगा तभी तो लोग मुझे इतना जो है कमेंट कर रहे हैं। अब करते हैं वीडियो को शुरू, उसके बाद हम अपनी जो है बातें करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट की वीडियोज़ पर रिएक्शन लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद है रिएक्शन चैनल देखना, और खासकर नॉर्थ ईस्ट की, तो ये चैनल आपके लिए ही है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और फिर करेंगे अपनी बातें। 1 2 3 फार्मर, ये क्वीन है क्या? जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को लग रहा है क्वीन है। और क्वीन को एक फार्मर से प्यार हो रहा है। और ये फार्मर की वाइफ है। आवाज बहुत सही लगी मुझे यार, क्या ये बात। ಅಜವಿ ಲಕ್ತಗಿ ಅಂತೋಯ್ವಿ ಕೊಯ್ದಾವ ಲಕ್ತಗಿ ನುಷಿವಿ ಅಜವಿ ಲಕ್ತಗಿ ಕೊಯ್ದಾವ ಲಕ್ತಗಿ ನುಷಿವಿ ಪುಂಶು ಶುಂಬಿ ಕರೆ ಹಾಮೋಯ್ಷೆ ಚುಮ್ಲ चावल गिर गए। पहलवान ही है।
पीछे जो ऐसे कम सा बज रहा है ना, वैसे ही बात है। परपोज कर दिया। क्या हुआ? डायरेक्टेड बाय किरण कोयजाम। अरे मुझे ये बताओ लास्ट में क्या हुआ, वो बेहोश क्यों हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ लास्ट में, हुआ क्या, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी? मुझे लास्ट का समझ में नहीं आया कि लास्ट में वो ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी। बाकी तो स्टोरी ठीक थी यार, क्यूट सी स्टोरी थी, अच्छी लगी मुझे स्टोरी, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, मेल की आवाज़ भी अच्छी थी, और फीमेल की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और पीछे जो वैसे ड्रम सा बज रहा था ना, ड्रम था कि ढोलक था पता नहीं याद हो क्या था, पर वो आवाज़ उसकी अच्छी लग रही थी। म्यूज़िक के साथ उसका ना सिंक्रोनाइजेशन कुछ वर्ड ना सही में बहुत सही था वो। और एक बात और, लड़की के एक्सप्रेशन मुझे बहुत सही लगे, और मतलब जो फीमेल थी ना, वो जो उस लड़के की जो गर्लफ्रेंड थी, उसके एक्सप्रेशन सही में बहुत सही थे, वो एकदम प्रोफेशनल एक्टर की तरह एकदम एक्ट कर रही थी। लड़के भी ठीक थे, पर लड़की के एक्सप्रेशन जो है बहुत एकदम वो कहते हैं ना मैच्योर एक्टर की तरह थे, एकदम अच्छे से वो एक्ट कर रही थी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे एक बात पूछनी थी कि ये किंग और क्वीन वाला मतलब सिस्टम क्या अभी भी है मणिपुर में, मतलब वहाँ के जो पुराने राजा राजी राजा या फिर रानी होंगे, वो क्या अभी भी कुछ रोल है वहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स वगैरह कुछ तो? और ये वहाँ की जो रॉयल ड्रेसेस होती हैं, राजशाही ड्रेसेस, वो ऐसी होती हैं वो जो क्वीन ने पहना था? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो शायद क्वीन या फिर राजकुमारी प्रिंसेस कुछ वैसी होगी जैसी ट्रीटमेंट उसे मिल रही थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिच कोई पर्सनालिटी होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वहाँ पर मणिपुर में क्या अभी भी किंग क्वीन होते हैं, और वो लास्ट में क्या हुआ ट्रेजेडी में, मतलब वो जो थी वो था ना लड़के की जो गर्लफ्रेंड थी, वो बेहोश क्यों हो गई और वो लड़का भाग के क्यों आया, मुझे बस वाला पार्ट समझ में नहीं आया। बाकी वीडियो अच्छी थी, काश थोड़े सबटाइटल होते तो मैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाता, सबटाइटल नहीं थे तो मुझे सिर्फ उतना ही बाकी तो सारा समझ में आ गया, वो लास्ट वाला जैसे कि बोला कि नहीं आया। ओके, और यार एक छोटा सा ना क्वेश्चन आया था दिमाग में, पूछ लूँ क्या? वो मुझे ये पूछना था कि मैंने अब तक काफ़ी वीडियोस कर दी हैं नॉर्थ ईस्ट की, मेरी आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 60 के अराउंड वीडियोस हैं मेरी
ठीक है, मैंने जिन पे एक्शन दिया है। और किसी भी वीडियो में मैंने जो मेल एक्टर है उसकी ऐसे फुल बियर्ड नहीं देखी, जैसे मेल ही है ना मेरी ये फुल बियर्ड। और अगर आप नॉर्थ वर्थ में आओगे, पंजाब में, हरियाणा में, या फिर कहीं और, तो आपने आप देखोगे कि यहाँ पर जो बियर्ड है ना वो काफ़ी लोग रखते हैं, बियर्ड या फिर मूछ। अगर पंजाब में आओ तो मुस्ताच या मूछ जो है वो मतलब बहुत लोग रखते हैं। तो ना ऐसा यहाँ पर जो है ट्रेंड वगैरह सो है थोड़ा रखते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पंजाब में तो बहुत लंबी लंबी दाढ़ी भी लोग वो रखते हैं। कुछ टाइम पहले मेरी भी थी, मैंने इतनी इतनी बड़ी रखी थी मैंने एक बार, इतनी बड़ी, पर कटवा दी। अब थोड़ी बहुत जो है ना बस इतनी सी रखता हूँ मैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा बियर्ड नहीं रखते हैं क्या? क्योंकि मैंने जब तक देखा नहीं है, मैंने जितनी वीडियोस करी हैं सब में ज़्यादातर जो है क्लीन शेव होते हैं, या फिर हल्की यहाँ पर मूछ वगैरह होती है हल्की सी, और तो नहीं होता कुछ। तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि वहाँ पर बियर्ड बॉयज़ नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, या फिर क्या रीज़न है, जो भी है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।